हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं और हिस्ट्री में आज है आप लोगों की लास्ट क्लास। लास्ट क्लास का मतलब एंशियंट हिस्ट्री की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है। तो लास्ट क्लास में जैसा कि आप लोगों ने फॉलो किया ही होगा कि साउथ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे डायनेस्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संगम पीरियड के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे संगम पीरियड क्या है, फिर हम लोग देखेंगे संगम पीरियड में लिटरेचर्स कौन कौन से हैं, और फिर इसमें देखेंगे कि इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी और पॉलिटिकल अफेयर किस तरीके का चल रहा है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टफ जरूर होगा आज, क्योंकि जो नाम है वो थोड़े से अटपटे से हैं। देखेंगे क्या कुछ है इसमें। फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्लिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा करंट अफेयर्स एंड आर्ट एंड कल्चर की एक अलग से सीरीज अवेलेबल है, एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of August, मतलब 16th of August से स्टार्ट होगी, और इसमें प्रिलिम्स के, मेंस के हर तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, प्रिपेयर कराया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो ये जितने भी लोग आर्ट एंड कल्चर या इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन को, अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स के जरिए जो है अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। संगम लिटरेचर में हम लोगों ने बात किया हुआ था संगम पीरियड में चोल, चेर और पांड्य के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टेबल देखी हुई थी और जिसमें हम लोगों ने चोल, चेर और पांड्य तीनों के बारे में देखा था। इनकी आज की डेट में कहां पर इनका इलाका है उसके बारे में देखा था। इनफैक्ट हम लोग रिवर के बेसिस पे इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था, जो एम्पायर था, उसको हम लोगों ने डिवाइड किया था। इसकी जो एंशियंट कैपिटल थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। फिर हम लोगों ने देखे थे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे, जैसे कि आपका जैसे चिलियान हो गया या फिर आपका करिकल हो गया, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रूलर्स देखे थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी देखे थे, क्योंकि इस समय अगेन ट्रेड जो है काफी इंपॉर्टेंट इशू था। और लास्टली हम लोगों ने देखा था एम्बलम के बारे में। इस एम्बलम को आप लोग जरा याद करके रखिएगा, बिकॉज इन द स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी ऑल्सो काफी ज्यादा ये पूछा जाता है। इनफैक्ट पास्ट ईयर की क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस भी करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये सब जो है क्या पूछा गया और कैसे पूछा गया है। आगे अगर देखा जाए तो लिटरेचर्स के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिटरेचर्स लिखी गई हैं, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज जरूर है। टफ लैंग्वेज का मतलब कि इनको जो प्रोनाउंस करना है वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं एक काम करूंगा, पहले आप लोगों को हिंदी में लिख दूंगा और उसके बाद से इंग्लिश में, तो यहाँ पर ऑलरेडी टाइप्ड है, तो आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन विच लैंग्वेज, जिसमें भी आपको जो है बेहतर हो उस लैंग्वेज में आप जाकर के लिख सकते हैं। तो देखिए संगम के बारे में बात किया जाए तो अगर शुरुआत से अगर बात करें तो देखिए यहां पर बेसिकली संगम जो है वो तीन हुए थे। तीन संगम का मतलब हो गया, संगम मतलब केवल आप समझिए, दिस इज बेसिकली संगम। और संगम का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा इलाहाबाद में जो है वो संगम है, जहां पर क्या होता है तीनों नदियां आपस में मिलती है और एक जगह पे फ्लो कर रही होती है। तो संगम भी बेसिकली कुछ नहीं है, एक जगह पर आकर के बैठना, डिस्कशन करना ही एक तरीके का संगम है। इनफैक्ट यू कैन से कांग्रेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ संगम, ठीक है। तो ये भी जो होता है इस तरीके का एक संगम आ जाता है। इस संगम को जो ऑर्गेनाइज कराया गया था वो करवाया था जो सबसे पुराने लीडर्स थे, जैसे पांड्यास। तो जो पांड्यास थे सबसे पुराने हैं, इन्होंने ही ये पूरा का पूरा जो संगम है उसको ऑर्गेनाइज कराया था। तो बेसिकली हमारे पास तीन संगम है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड संगम। जो फर्स्ट संगम हुई थी ये बेसिकली हुई थी मदुरई में, तो ये जो है मदुरई में हुई है। सेकेंड संगम जो हुई थी वो कपाटपुरम में हुई थी, दिस इज कपाटपुरम, ठीक है। थर्डली जो हुई थी वो अगेन मदुरई में हुई थी, इनफैक्ट नदन मदुरई में हुई थी, लेकिन खैर मदुरई आप इसको जो है यहां पर लिख सकते हैं, दिस इज मदुरई। अब किसने ऑर्गेनाइज कराया था, तो देखिए इसने जो शुरुआत के दोनों हैं इन दोनों को ऑर्गेनाइज कराया गया था अगस्त्य मुनि के द्वारा, दिस इज अगस्त्य, AUGUS, अगस्त्य मुनि के द्वारा करवाया गया था। इन अगस्त मुनि ने एक व्याकरण की बुक भी लिखी हुई थी और व्याकरण की बुक का नाम था तोलकपियम, तो दिस इज तोलकपियम, ठीक है। ये जो तोलकपियम है दिस इज बेसिकली अ तमिल व्याकरण,
ये जो है तमिल व्याकरण या तमिल ग्रामर की एक बुक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो है डायरेक्ट डाइटीज के पास, गॉड्स के पास में गए थे और वहां से ये व्याकरण की पूरी जानकारी लेकर के आए थे, लेकिन इसको कोडिफाई नहीं किया था इन्होंने। और अगेन जो होता है ये इस वजह से काफी ज्यादा अपने आप में टफ व्याकरण मानी जाती है। दूसरी मतलब जो तीसरी वाली जो संगम है ये ऑर्गेनाइज की गई थी नक्की रार के द्वारा, दिस इज नक्की रार, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम भले आप लोगों के लिए टफ जरूर हो सकता है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि इसको याद रखिएगा। देखिए कई लोग होते हैं वो इस पूरे के पूरे पार्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यार यूपीएससी में अगर आप एक बार देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, तो जो टॉपिक जितना ज्यादा टफ होता है उससे उतने ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जो टफ टॉपिक होता है जनरली जो जनता होती है वो छोड़ छोड़ के चली जाती है। आपको ये काम नहीं करना है। यहां से देखिए एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का मतलब हो गया 5 नंबर का एज। और ये 5 नंबर आपको कुछ नहीं करना है, केवल 4-5 किताबों के नाम याद करने हैं, 8-10 जो है टफ वर्ड याद करने हैं, दैट्स ऑल हो गया। अगर इनफैक्ट एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी केवल और केवल आप एक पेपर पे लिख करके केवल और केवल देख लेंगे तो भी वहां जाकर के ऑप्शंस के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं कहूंगा इस टॉपिक को कभी आप इग्नोर मत करिएगा, अभी याद मत करिए, लेकिन इसके नोट्स बना करके रख लीजिए। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं, सुबह उठिए, मॉर्निंग में एक बार रीड करिए, उसके बाद से जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उसके पहले भी एक बार रीड करके चले जाइए, और अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली जो है आपको 5 नंबर का एक एज मिल जाएगा। 5 नंबर का एज का मतलब समझ रहे हैं, 1 से 2 लाख स्टूडेंट को, लाख स्टूडेंट को आपने पीछे कर दिया प्रीलिम्स में, तो ये काफी ज्यादा जो है वो कह लीजिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वापस से आते हैं जरा इस संगम पे। तो संगम में हम लोगों ने देखा कि 3 संगम हुए, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था, दूसरा वाला जो है वो कपाटपुरम में हुआ है, दिस इज कपाटपुरम, ठीक है। पहले वाले दूसरे वाले को कराया गया था अगस्त मुनि के द्वारा, और तीसरी वाली जो कराई गई है वो नक्की रार के द्वारा कराई गई है, दिस इज नक्की रार, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इसके बाद जरा आ जाते हैं आप थोड़ा सा टफ टफ से नाम पे आ जाते हैं और कुछ लिटरेचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो लिटरेचर है पहले है तोलकपियम, दिस इज तोलकपियम, ठीक है, तोलकपियम, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, हियर इज तोलकपियम। ये एक तमिल जो है तमिल व्याकरण है, या फिर कह लीजिए तमिल जो है वो ग्रामर है, दिस इज तमिल ग्रामर, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा मतलब ये तो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना होता है, दूसरा जो है लिटरेचर है पटू पटू, दिस इज पटू पटू। ये जो पटू पटू है ये बेसिकली इसमें कई सारे पोएट्स लिखे हुए हैं, तो पोएट्स का मतलब जिसमें कह लीजिए काव्य जिसको बोला जाता है या जितने गाने वाने होते हैं वो बेसिकली यहां पर लिखे हुए हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है जो अहम है, एक पार्ट को अहम बोला जाता है, और दूसरे पार्ट को पुरम बोला जाता है, दिस इज पुरम। अहम का मतलब होता है जहां पर पर्सनल लव स्टोरीज लिखी गई हैं, और पुरम का मतलब होता है जहां पर पब्लिक स्टोरीज लिखी गई हैं, मतलब कि एक तरीके से पब्लिक लेवल पे। अब अहम का मतलब सीधी सी बात है यहां पर इंडिविजुअल लेवल पे चीजें बात की जा रही होंगी, हाँ, पुरम में पब्लिक हो गया, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है यहां पर अहम और पुरम की। इस पटू पटू में 3 कैटेगराइज्ड फॉर्मेट में कह लीजिए कि लिटरेचर्स हैं। एक है जिसको बोला जाता है मरुगर रूपदाई, दिस इज मुरुगर रूपदाई, दाई, ठीक है, इसमें मुरुगन के बारे में लिखा गया है और इसको लिखा गया था नक्कीकार के द्वारा, ये वही नक्कीकार है जिन्होंने थर्ड ये वाले नक्कीकार है, ठीक है, और ये इसमें मुरुगन के बारे में लिखा गया। मुरुगन जो है वो साउथ इंडिया के देवताओं में आते हैं, गॉड्स में आते हैं। दूसरी जो लिटरेचर है इसी पटू पटू के ही अंडर में वो है सिरुपन्नरुपदाई, ठीक है, सिरुपन्नरुपदाई, तो थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन याद रखिए इसको जो लिखा गया था वो नट्टान तनार के द्वारा लिखा गया है, तो दिस इज नट्टान तरार, ठीक है, नट्टान तरार के द्वारा लिखा गया है। तीसरा जो है वो मदुरई कैंजी के बारे में है, दिस इज मदुरई
कैंजी, ये जो मदुरई कैंजी है इसमें मदुरई के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है और इसको लिखा गया है मनगुदी मरुदम के द्वारा. दिस इज मनगुदी मदुरम. ठीक है, मदुरम तो मदुरई ही हो गया, मनगुदी का मतलब तो खैर मनगुदी ही होगा. तो इन्होंने मनगुदई मदुरम ने लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा चीज. समझ में आया क्या चीज है? थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन अगेन मैं कहूंगा यही टफ चीज 8-10 वर्ड अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा. तो इग्नोर मत करिएगा, इसको लिखे रहिएगा, नोट बना करके रखे रहिएगा. ठीक है, इसके अलावा तीसरी लिटरेचर के बारे में अगर बात किया जाए तो तीसरी लिटरेचर आती है उसका नाम होता है तिरुकुरल. दिस इज तिरुकुरल. ये तिरुकुलर बेसिकली तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है. तो दिस इज तिरुवल्लुवर. इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, लगातार करंट अफेयर्स में ये बने भी रहते हैं. तिरुवल्लुवर इसको बोला जाता है. दिस इज बेसिकली द बाइबल ऑफ तमिलैंड. ये इतना ज्यादा होली बुक है तो ये बाइबल है तमिलैंड की. तिरुकुरल ये जो है काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है इस साउथ इंडिया की. इसके अलावा तीन और इंपॉर्टेंट महाकाव्य यानी एपिक्स के बारे में है. तो तीन महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक है शिलापद्दीकरम. दिस इज शिलापद्दीकरम. ठीक है, दूसरी जो है वो है मणिमेकलाई. दिस इज मणिमेकलाई. तीसरी जो है वो है शिवा चिंतामणि. तो शिवा चिंतामणि है. तो इन तीनों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या चीज है. तो आपको एक तरीके से नाम नाम एटलीस्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा. अब चलते हैं जरा स्लाइड पे और सारी चीजों को देख लेते हैं. तो संगम के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया. दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल और एसोसिएशन. इट इज अ एसोसिएशन ऑफ पोएट्स एंड बार्ड्स मेट इन थ्री डिफरेंट पीरियड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यास. तो वही है, पैट्रोनेज ऑफ पांड्यास. पांड्यास ने ये काम सारा करवाया था, तीन बार में करवाए थे, मतलब तीन पीरियड में करवाए गए थे. पहला संगम जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था. और अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लीजेंड्स द कंपाइलेशन ऑफ द फर्स्ट संगम हैव पेरिस्ड. और ये करवाया किसके द्वारा गया था? अगस्त्य मुनि के द्वारा. सेकेंड संगम वॉज हील्ड एट कपाटपुरम. और ये कपाटपुरम जो है वो कैपिटल थी, सेकेंड कैपिटल थी पांड्यास की. दे प्रोड्यूस्ड तोलक कपियम. तो जो तोलक कपियम बोला गया था, अभी मैंने बोला था कि ये एक तमिल ग्रामर है, तो वही चीज है. दिस इज तोलक कपियम रिटन बाय तोलकपियार. ये भी जो है तोलकपियार एक्चुअली अगस्त मुनि के साथ के ही 12 संत थे, उन्हीं में से एक थे. तो इन्होंने पहली बार जो होता है विंध्या वगैरह क्रॉस किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. द थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई अगेन. और इसको करवाया किसके द्वारा गया था? इसको करवाया गया था नक्कियार के द्वारा. इन एडिशन टू तोलकपियम जो कि संगम लिटरेचर है, इसके अलावा पटू भी एक कह लीजिए दूसरी एपिक है, दूसरी लिटरेचर है जिसमें 10 कविताएं लिखी गई हैं. इसके अलावा इत्तु तोगई भी एक पोयम है, कह लीजिए कि शॉर्ट पोयम है बेसिकली, इसमें जिसमें जो है मतलब लव पोयम्स प्रोज इन सब के बारे में लिखा गया है. तो केवल आपको नाम याद रखना है व्हाट एग्जैक्टली इज द इत्तु तोगई. इसके अलावा अगर आएंगे तो पथित नेन किलनक्कू. तो दिस इज बेसिकली थोड़ा सा टफ नाम जरूर है, इट इज अ काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग. पथित नेन किल कनक्कू. ये जो पथी नेन किलन किलनक्कू है ये 8 इसमें छोटी छोटी कविताएं हैं. और ये जो 8 छोटी छोटी कविताएं हैं इसमें वो इत्तु तोगई और पटू पटू से भी छोटी है. मतलब यहां पर जो इत्तु तोगई में कविता लिखी गई है और पटू पटू में कविता जो लिखी गई है उसमें, मतलब उनकी कविताओं से यहां पर जो कविताएं लिखी गई हैं वो छोटी छोटी कविताएं हैं पथित नेन किलनक्कू में. ठीक है, बाकी इसके अलावा तीन एपिक्स, तीन महाकाव्य भी हैं, शिलापद्दीकरम, मणिमेकलाई एंड शैवगा चिंतामणि. अब देखिए इन तीनों में भी अगर स्टोरी बात करेंगे कि क्या चीजें हैं तो आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं. पटू पटू के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यहां पर दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक है जो अहम है, दूसरा है पुरम. अहम में पर्सनल मैटर्स और वही सब चीजें लव वगैरह के बारे में बताया गया है, जबकि पुरम में पब्लिक मैटर्स के बारे में बताया गया, कंसर्निंग वॉर्स एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें बताई गई हैं. ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो देखिए जो नेक्स्ट इसके बाद आती है वो पटू पटू के ही अंतर्गत जितनी भी सब कैटेगरीज ऑफ द पोएम्स हैं उसके बारे में बताया गया है. जैसे मरु गर रूपदाई. दिस इज मरु गर रूपदाई. अभी मैंने बताया ही था इसमें जो है नक्कीकार के द्वारा लिखा गया और मुरुगन के बारे में बताया गया इसमें. इसके अलावा
सिर सिरूपन रूपदाई, दिस इज सिरूपन रूपदाई, दिस डील्स विद द क्लास ऑफ मिनस्ट्रल। मिनस्ट्रल एक्चुअली जो है यूरोपियंस होते थे जो बेसिकली कह लीजिए राजा के दरबार में उनको एंटरटेनमेंट करते थे, जो बेसिकली कविताएं कहना गाना गाना यही सब काम करते थे। वो सैंग बाय देयर बार्ड्स बाय नत्तनार, तो ये बेसिकली अगेन जो है इनके द्वारा करा गया था, लिखा गया था। इसके अलावा लास्टली जो है, जो पटू पटू के ही अंतर्गत एक और ग्रुप है, दैट इज द मदुरई कैंजी। तो ये मदुरई कैंजी जो है, दिस डील्स विद द इकोनॉमी ऑफ द मदुरई बाय मनगुड़ी मरुदम, एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट वर्क्स अंडर पटू पटू। तो पटू पटू के अंदर में दिस इज वन, दिस इज सेकेंड सुरू, एंड थर्ड वन इज द थर्ड वन जो है ये कह लीजिए कि मदुरई कैंजी। तो देखिए पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये बस याद करिएगा मुरु मुरु के बाद आपका सिरु, सिरु के बाद आपका मदुरई कैंजी। तो आसान है, इसको याद करने की सच बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो मुरु सिरु अब आसान हो गया, देखिए मुरु सिरु जब आप करेंगे तो काम खत्म हो गया। मुरु से आप मुरुगन को भी याद कर सकते हैं, नकीकार के बारे में तो खैर आप ऑलरेडी याद करके रखे हैं, सिरु के बारे में आप आराम से बता सकते हैं। जैसे सुरु सिरु का मतलब हो गया समथिंग रिलेटेड विद द कोई दास वास होगा, तो वहां से आप जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एंटरटेनमेंट करने वाले कुछ लोग हुआ करते थे। ठीक है, टफ चीज होगी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यू हैव टू मेमोराइज ऑल द वो बिग फैटी वर्ड्स जो होते हैं, वो सब नहीं। आपको केवल जो है कुछ ना कुछ ट्रिक बना लेना है, कुछ ना कुछ छोटा बना देना है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बना देना है, तो बस वही है। मुरु सिरु हो गया, काम खत्म हो गया आपका। इसके अलावा द इम्पॉर्टेंट वर्क इन पथित, अब देखिए ये जो पथी मेन किल नक्कू है, इसको आप कुछ मत करिए, इसको काट करके लिख लीजिए पथिक, बात खत्म। अब ये पथिक भाई साहब हो गए हैं और छोटा सा नाम हो गया, याद भी हो जाएगा। तो पथिक में बेसिकली क्या होता है, रास्ते में जो आदमी जाता है, जो पथिक होता है, पेडेस्ट्रियन होता है, वो गाना गाते हुए जाता है, तो बस क्या हो गया पथिक। ये जो है शॉर्ट पोएम्स इसमें लिखी गई हैं, एंड इन कंपैरिजन टू पटू पटू और इत्तू तो गई से छोटी कविताएं इसमें लिखी गई हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था। ये जो है वो तिरुकुरल के द्वारा कंपोज की गई थी, एंड विच इज अ कंपाउंड ऑफ शास्त्राज ऑन धर्म अर्थ एंड काम बाय तिरुवल्लुवर, इट इज कॉल्ड एज बाइबल ऑफ द तमिलनाडु। ऑलरेडी मैंने इस चीजों के बारे में आप लोगों को शुरू में ही लिखवा लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं तीन एपिक्स के बारे में। वो जो थ्री एपिक्स हैं, एक है जो शिलापतिकरम है, दूसरा है मणिमेकलई, और तीसरी जो है वो शिवा का या फिर शिवा चिंतामणि आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर अब सीधी सी बात है, पांड्यास के बारे में हुआ है तो पांड्यास के ही बारे में ये पूरी की पूरी जो एपिक्स है वो भी लिखी गई होंगी। और यहाँ पर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वॉर वॉज द पूहर वॉर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पूहर का वॉर हुआ था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द साउथ इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पर जो शिलापद्धिकरम है इसमें एक स्टोरी बताई गई है, स्टोरी कौन सी है, तो स्टोरी जो है वो है कोवलम एक व्यक्ति था पुहर का, और एक ये मर्चेंट था, ट्रेडर था बेसिकली, उसका उसकी जो कोर्ट डांसर थी महादेवी, उसके साथ में कुछ अफेयर था या जो भी था, तो उसने अपनी वाइफ करंगी को जो है वो निग्लेक्ट किया था। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट जब नेदुन जेलियान को पता चलता है तो वो इस चोरी के खिलाफ जो है बेसिकली उसको जो है वो डेथ देता है, और इस तरीके से करंगी जो है वो रिवेंज ले लेती है, और इस तरीके से वो गॉडेस बन जाती है। और यही जो नेदुन जेलियान होते हैं ये बेसिकली पत्नी कह लीजिए संप्रदाय लेकर के आए थे, पत्नी संप्रदाय, जहां पर पत्नियों की या फिर गॉडेस की बेसिकली पूजा की जाती थी। यही कुछ छोटी सी स्टोरी शिलापद्धिकरम में लिखी गई है, हालांकि देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इट इज रिटन बाय इलैंगो अडिगल, यही इंपॉर्टेंट है। और ये जो इलैंगो था ये कौन था, ये जो चोल किंग करिकल है उसी का ये ग्रैंड सन था, तो ये ग्रैंड सन हो गया इसका। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो शिलापद्धिकरम के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस पीरियड में लिखी गई है, तो आपका संगम पीरियड हो गया। किसके टाइम पे हुआ है, तो पांड्यास के टाइम पे हुआ है। एंड थर्डली किसके द्वारा लिखा गया है, तो दिस इज इलैंगो। ठीक है, इसी तरीके से मणिमेकलई के बारे में देख लेंगे अगर, तो ये सत्तनार के द्वारा लिखी गई है। इट इज अ स्टोरी ऑफ मणिमेकलई, जो कि बेसिकली यही वो जो कोवलन है इसी की बेटी रहती है, और इसी जो महादेवी है कोर्ट डांसर उसके बारे में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। डील्स विद द एक्सीलेंस ऑफ बुद्धिज्म थ्रू द ट्रेवल ऑफ मणिमेकलई, एंड दिस इज द मणिमेकलई जो है उसकी कह लीजिए कि बेटी रहती है, एंड द सब्सिक्वेंट लॉस ऑन द पुहर सिटी इरोडेड बाय द सी। थर्डली जो होता है शिवगा चिंतामणि के बारे में लिखा गया है, दिस इज तिरुत कदेवर। तो
तो ये जो है अगेन जो है यहां पर अगर नाम देखेंगे इसका तिरुतक्कदेवर, ये भी जो है थोड़ा सा टफ जरूर है, तो आप याद कर लीजिए कि तिरुदेवर बात खत्म, ठीक है। अब ये बीच वाली चीज को हटा दीजिए आप, तिरुदेवर काम खत्म हो गया, तो चिंतामणि का देवर हो गया काम। इट इज अ जैन एस्थेटिक द स्टोरी ऑफ शिवगा और जीवा का, तो थोड़ा सा टफ जरूर था, लेकिन मैं कहूंगा कि लिटरेचर्स दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको जरूर याद रखना है आपको। इसके आगे की भली बातें जो भी हम लोग करेंगे वो आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन ये जरूर याद रखना है क्योंकि इससे प्रिलिम्स में एक से दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब इसके बाद से चलिए पॉलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, और पॉलिटी का मतलब हम लोग बेसिकली लास्ट क्लास को ही रिवीजन कर रहे होंगे, बिकॉज इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल, और यहां पर थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। द मेन थीम ऑफ द संगम एज वॉज द वॉर बिटवीन थ्री पावर, कौन कौन से, चोल, चेर और पांड्य, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल चोल है, ठीक है, और सबसे पुराना पांड्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेराज रूल्ड फ्रॉम करूर एंड वंजी, तो करूर और वंजी जो है इनकी बेसिकली क्या थी, इनकी थी कैपिटल, पुरानी कैपिटल, और इनका जो रॉयल एम्बलम था वो धनुष और बाण थी, यानी कि बो एंड एरो। सेन गुट्टवन इसका इंपॉर्टेंट रूलर था। इसके बाद से चोल के बारे में अगर देखेंगे तो चोल जो है वो उरैयूर से या कावेरी पत्तनम से अपनी राजधानी बना करके रखे हुए थे और वहीं से रूल करते थे। इनका जो एम्बलम था वो शेर टाइगर था, एंड किंग करिकाल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हु फाउंडेड कावेरी पत्तनम ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी, और इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये बेसिकली जो है वो पल्लव के ही सामंत थे, पल्लव से ही ये निकल करके आए थे। लास्टली पांडे के बारे में हम लोगों ने देखा था मदुरई, और इन्होंने ही पत्नी संप्रदाय स्टार्ट किया था, देयर रॉयल एम्बलम वॉज फिश, जिसको कि हम लोगों ने देखा था कि कल्प था, ठीक है। नेदुन जलियान जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट रूलर था, हु एक्यूज्ड कोवलम हीरो ऑफ शिलापदिकरम फॉर थेफ्ट, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास की जो भी चीजें थी उसको हम लोगों ने रिवाइज किया। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख ले तो यहां पर थोड़ा सा अगेन टफ लैंग्वेज, टफ टफ वर्ड जरूर आएंगे, इतना ज्यादा हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या याद रखना है नहीं रखना है, लेकिन जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो तो आपको याद रखना ही रखना है, उससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट चोल ने के बारे में हम लोगों ने देखा भी था कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो किंग था उसको को या फिर मन्नम या फिर कोरवन या वेदन के नाम से भी जाना जाता है, तो केवल एक बार सुन लीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सच है नहीं। द कोर्ट ऑफ द मोनार्क वॉज कॉल्ड एज अवि, और इनफैक्ट अवि से जितने भी आएंगे वो रिच लोग हुआ करते थे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। हायर ऑफिशियल्स एंड द लोअर ऑफिशियल्स वॉज कॉल्ड एज पेरुंतरम या फिर सिरुंतरम, तो पेरू और सिरु ये दो लोग होते थे जो हाई ऑफिशियल्स या फिर लो ऑफिशियल्स के नाम से जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स होते थे मिनिस्टर को अमायचार बोलते थे, जैसे ऊपर अमात्य बोला जाता था वैसे ही यहां पर अमायचार बोला जाता था। पुरोहित, पुरोहित के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बेसिकली जो प्रीस्ट होते थे दरबारी जो पुजारी हुआ करते थे उनको ही पुरोहित बोलते थे। दूतार, दूतार का मतलब एनवॉय, एनवॉय का मतलब हो गया जैसे आज की डेट में जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको एनवॉय बोला जाता है, तो ये बेसिकली क्या है, दूत है, दूसरे कंट्री के जो लोग आते हैं दूत होते हैं, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है राजदूत, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेन पत्तियार, तो जो सेनापति होता है उसी को सेन पत्तियार बोलते हैं, कमांडर। ओरार, ओरार का मतलब हो गया जो स्पाई होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली इंटेलिजेंस का काम करते हैं। किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट, कह लीजिए किस तरीके से, जैसे सबसे नीचे क्या होती है, सबसे नीचे होती है ग्राम, और ग्राम में भी छोटे गांव बड़े गांव होते हैं, तो जो छोटे गांव होते थे उसको बुलाता था सिरूर। इनफैक्ट सिरूर के नाम से अगर देखेंगे तो सिरून, सिरून मतलब जो लोअर, लोअर ऑफिशियल्स हैं, तो यानी सिरू के नाम पे जो काम करने वाले लोग थे तो उन्हीं को बुलाता था सिरून तरम, ठीक है, तो यहां से देखिए आप याद भी कर सकते हैं। इस सिरू जो आपका दिस सिरूर के बाद जो है फिर आती है पेरूर, अब पेरूर से भी आप याद कर सकते हैं दिस इज हाईएस्ट ऑफिशियल, तो यहां पर पेरून तरम हो गया, तो यहां से पेरून तरम, तो यहां से भी आप जो है बेसिकली आप यहां से एक कह लीजिए कि रिलेट करके जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद से तो कोई बात ही नहीं है, उर होता है जो टाउन होती है, टाउन के बाद नाडू, नाडू का मतलब जो है कह लीजिए कि
ग्रुप ऑफ द टाउन्स हो गई या सिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं, दिस इज नाडू। और उसके बाद से फिर कुट्टम आ जाता है, कुट्टम का मतलब कह लीजिए कि बड़ा एरिया, और उससे बड़ा एरिया जो हमारा प्रोविंस होती है, प्रांत होती है, राज्य होती है, उसको मंडलम बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था सोसाइटी, या फिर कह लीजिए कि पॉलिटिकल जो है वो सेटअप था यहाँ पर। इसके अलावा वलनाडु अ न्यू यूनिट क्रिएटेड बाय लेटर चोलास, इट इज एन एमलगेमेशन ऑफ नाडू। तो जो नाडू एक तरीके से कह लीजिए जो जिला है, जिले के ऊपर में एक मंडल बनाया गया और वही मंडल को बोला जाता है वलनाडु। ठीक है, इसके अलावा पत्तनम, पत्तनम तो आप ऑलरेडी नाम से ही कर सकते हैं कि दिस इज अ पत्तनम, जब भी होती है तो वो बंदरगाह या फिर पोर्ट को बोला जाता है। तो दे वर द बेसिकली द कोस्टल टाउन्स एंड हार्बर एरिया, जिसको पुहर भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल सेटअप था, थोड़ा सा आसान ही था, इसमें कुछ खास टफ नहीं था, एक आध दो नाम भले टफ हो सकते हैं लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इकोनॉमी में आएंगे, दिस इज सुपर सुपर टफ, आई वुड से दिस इज सुपर टफ, क्योंकि यहां पर नाम में कोई रिलेशन कोई कुछ नहीं है एंड दिस इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट भी हमारे लिए, लेकिन खैर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी आर ओनली डिस्कसिंग। और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसकी नोट्स बनाइए या फिर इसको याद करिए, केवल एक बार सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ खास है नहीं और एग्जामिनेशन में भी आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे आते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं होता इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का। तो तमिल रीजन वाज डिवाइडेड इनटू फाइव रीजियंस, फाइव को बोलाता है पंच, तो दिस इज पंच तिनई। इसमें जो होता है अलग अलग नाम से मतलब लोगों को डिफाइन किया गया, जैसे कुरिंजी बोला गया है, कुरिंजी होते हैं जो हिल एरिया में रहते थे, और हिल एरिया में जैसे कुरवर या फिर वेलर ये लोग जो है हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिस करते थे, तो उन्हीं लोगों को बोला जाता था। इसके अलावा पलई एक लोग होते थे जो बेसिकली जो है सूखे क्षेत्र में या फिर एरिड रीजन्स में रहा करते थे, एंड दे वर इनहेबिटेड बाय इनियार या फिर मरावार, एंड दे प्रैक्टिस ऑब्वियसली अगर एरिड एरिया में है तो बाय डिफॉल्ट आप सोच सकते हैं कि ये कैटल रियरिंग या फिर रॉबिंग ही कर सकते हैं, चोरी वोरी ही कर सकते हैं। एक होते थे मुल्लई, मुल्लई जो होता है इट इज अ पास्टोरल ट्रैक्ट इनहेबिटेड बाय अयार एंड इडियार। तो आयार और इडियार जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन और अगेन एनिमल हस्बेंड्री करते थे। जो नेक्स्ट वन इज द मरुतम, इट इज अ वेटलैंड को बोला जाता था, वेयर इन द प्लॉ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड बाय विल्लार एंड उल्लार। तो अगेन जो होता है ये काफी इलॉजिकल सा चीज है, यहां पर सच उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैवब रीजन्स इंटरैक्टेड अमंग देमसेल्फ एंड द बार्टर सिस्टम व्हिच बिकेम द बेसिस फॉर द इकोनॉमिक एक्सचेंज ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप का चीजें आ गई थी। इसके अलावा अगर थोड़ी सी और बातें किया जाए कि किस तरीके का टैक्स सिस्टम है या क्या था, दो द स्टेट फॉर्मेशन वॉज इन रूडीमेंट्री स्टेज, देयर वॉज अ लिस्ट ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाई द पीपल। जैसे जो राजस्व होता था, मतलब कि जो लैंड टैक्स हुआ करती थी, वो करई बोला जाता था। इसके अलावा इरई, इरई बोला जाता था जो फ्यूडेटरीज को, सामंत को, सामंत के द्वारा बेसिकली दिया जाता था एज अ पार्ट ऑफ ट्रिब्यूट कह सकते हैं। इसके अलावा उलगू, ये जनता भी होती थी, और उलगू यहाँ पर देखिए उलगू लिखा भी हुआ है, दिस इज बेसिकली द थिंग हियर। तो यहाँ पर जो है जो उलगू लोग होते थे ये कस्टम ड्यूटी बेसिकली देते थे, एंड इरावू ये फोर्स्ड गिफ्ट को बोला जाता था। अगेन मैं कहूंगा दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा वरियम वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्स टेरिटरी एंड वरियार वॉज द टैक्स कलेक्टर। बहुत इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो फ्लरिश किए गए थे, डीप साउथ हैड ट्रेड रिलेशन विद द रोम। इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ दिस पीरियड, जैसे कौन कौन से पोर्ट हुआ करते थे, एक तो पुहर, कावेरी पत्तनम, अरिका मेडू, करई, एंड ये जो है वो ईस्टर्न साइड में होते थे, और वेस्टर्न साइड में मुजरिस और तोंडी। ये मैं कहूंगा दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछ दिया आता है। इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट क्या क्या हुआ करता था, जैसे ब्लैक पेपर होता था जिसे यवन प्रिय बोला जाता था। यवन प्रिय का मतलब वही एक तरीके से कह लीजिए कि जो लोग यवन लोग थे उनके प्रिय होता था, उसी का नाम से यवन प्रिय बन गया था ये। और इसके अलावा ग्रीक लोग होते थे, एंड दिस इज तमिल मंडलम एक्ट एज अ इंटरमीडियरी जोन फॉर सिल्क ट्रेड ऑफ द चाइना ड्यू टू क्लोजर ऑफ सिल्क रूट बाई कुशंस। एडिशन टू दिस द डिस्कवरी ऑफ मॉनसून बाई हिपार्कस एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर ट्रेड इन द रीजन। तो यहाँ पर ये भी कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट ही फैक्ट है। सोसाइटी के बारे में बात करें, दिस इज द लास्ट थिंग हियर, द पीरियड सॉ इमर्जेंस ऑफ कल्चरल यूनिट तमीज खान। तो तमीज खान जो है ये एक कल्चरल यूनिट को बोला जाता था। इसमें अलग अलग जो होता है क्लास डिफरेंसेस, जैसे कि आरासार बोला था जो रूलिंग लोग होते थे,
और जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनको करसियार बोला जाता था। इसके अलावा विल्लाज होते थे जो रिच पीजेंट होते थे, दे वर द डोमिनेटिंग ग्रुप होते थे, और बाकी जो होता है ये लोग अपनी पूजा पाठ विरक्कल हीरो स्टोनीज को बोला जाता था। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, जिसमें से हम लोगों ने संगम लिटरेचर के बारे में बात किया। इसके बियॉन्ड आपको कोई भी चीज पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से हम लोगों ने अपना एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया। देखिए इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं पढ़ने को जो पढ़ सकते हैं, बट अगेन मैं कहूंगा दिस इज दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना ज्यादा आप डिटेल में जाएंगे ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स टू रीड, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। आपको हमेशा एक लिमिट पता होनी चाहिए कि अप टू व्हाट लिमिट वी हैव टू गो। इसके अलावा मैं कहूंगा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए केवल और केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट बसती है, दैट इज द सीसीआरटी या फिर नितिन सिंघानिया की बुक, या फिर इस तरीके से अगर कोई आर्ट एंड कल्चर का आपके पास मटेरियल हो तो केवल और केवल आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी आर्ट एंड कल्चर की भी क्लासेस शुरू ही हो जाएगी 15th ऑफ अगस्त से, तो जिन लोगों को भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अगर कोई चीज देखनी होगा या फिर वो क्लास करनी होगी तो ऑब्वियसली यू गाइस कैन सब्सक्राइब फॉर दैट कोर्स। तो बाकी आज हम लोग यही इसको खत्म करते हैं। संगम लिटरेचर के बारे में देखा था, डिटेल देखा है, थोड़ी सी टफ जरूर हो गई है, लेकिन अगेन जो इंपॉर्टेंट जहां जहां मैंने बताया है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जब हम लोग पास्ट को ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा बेटर क्लैरिटी आपको आएगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा मेडिवल एज, और इनफैक्ट मेडिवल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलीजन के बारे में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सारे रिलीजन, इनफैक्ट हिंदुइज्म के बारे में देखेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर उसके बाद से जो डिवीजन हुआ था शैवाइट सेक्ट, भागवत सेक्ट, वैष्णव सेक्ट, तो सबके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर इस्लाम देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, और जितनी भी चीजें हैं रिलेटेड विद द रिलीजन सब कुछ देखेंगे हम लोग पहले, फिर उसके बाद से शुरू करेंगे हमारा जो मेन मेडिवल एज है जहां पर इस्लामिक इन्वेजन्स वगैरह हुए थे। तो इसको फटाफट कंप्लीट करिए आप लोग, नेक्स्ट डे जो होता है संडे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।